यहाँ पे पूरी टीम का जो है स्कोर बता रहे हैं, सबसे नीचे थे हम लोग, जीरो पे चलो पर जबरदस्त यार एंड कर दिया। ये विनर्स हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out. काफी टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है मेरा, और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। लेट हो चुके हैं हम लोग, लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं। फिर भी बस अभी हमने इफ्तारी वगैरह कर ली है, इफ्तारी के बाद अब हम आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ईशा की नमाज का टाइम हो चुका है, ठीक है। तरावी भी हम यहीं भी पढ़ेंगे, जो कतर की सबसे बड़ी मस्जिद है ना, आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाके हम तरावी और ईशा की नमाज वहीं पे पढ़ते हैं। मस्जिद अंदर से वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत खूबसूरत बनाई गई है। चलते हैं फिर वहाँ जाके, फिर तरावी नमाज के बाद देखते हैं अपना क्या सीन बनता है, हमने किधर जाना है, फिर चलते हैं। हेलो अगेन, तो मेरे पीछे लोग देख सकते हैं ये है कतर की सबसे बड़ी मस्जिद। यहाँ पे हमने जो है तरावी वगैरह पढ़ ली है, ईशा की नमाज पढ़ ली है, तो बहुत ही प्यारा व्यू भी है। यहाँ से व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक व्यू प्यारा है, एक ये पीछे व्यू प्यारा है। तो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है और काफ़ी बड़ी है। तो बाकी अब आपको थोड़े बहुत वीडियोज़ दिखाता हूँ मस्जिद की। मैदान में यहाँ पे आके तरावी पढ़ने का जो एक अपना ही मजा है, कैमरे में शायद इतना नहीं लग रहा, लेकिन रेल में आप आके यहाँ देखोगे ना तो एक अलग ही व्यू है। यहाँ की फ्रेंड की कॉल आ रही थी, कहीं करीब है, कहते आओ मिलते हैं, देखते अगर मूड हुआ तो मिलते हैं, उसके पास जाते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। गाड़ी मेरी इधर ही पार्क है कहीं पे, तो बस चलते हैं वापस, वापस जाके देखते हैं तो उसके साथ कुछ सीन बनता है, अगर तो जाते हैं उसके साथ कुछ शुगर मिला कर लेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं घर से निकल रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बिजी था मैं। गाड़ी कहाँ, गाड़ी कहाँ, गाड़ी कहाँ, उधर पार्क है, दूर है। इस मस्जिद के काफ़ी गेट भी हैं, बाहर भी काफ़ी गेट है, अंडरग्राउंड भी काफ़ी गेट है इसके। तो मेन गेट इसका ये है, नज़र आ रहा होगा पीछे आपको, वो खड़ी है मेरी गाड़ी सामने साइड पर। तो बस चलते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ आगे जाके। अब हम जा रहे हैं, दोस्त ने बुलाया है, कहता आजा मैं बोर हो रहा हूँ, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं भी चलते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी बोर ही हो रहा था, उसका कोई टूर्नामेंट चल रहा है फीफा का, तो कहता आज थोड़ा सपोर्ट कर दे मुझे आगे। मैंने कहा बगैर ओके आ रहा हूँ, रेडबुल टूर्नामेंट है कोई, फ्री शी के रेडबुल पियेंगे आज आके। बस यही है, ये भाई साहब चले गए स्पीड ऑफ स्पीड। मौसम बड़ा कमाल का हो रहा है भाई, रमज़ान तो ऐसा फर्स्ट क्लास गुजर रहा है ना। चेकिंग करेंगे इधर पीछे, उसके बाद हम सीधा जाएंगे अंदर। मेरा भी लोग देखते हैं, उनको ये लाइटिंग पीछे सब याद तो होगा, कहीं यहाँ मैं बहुत दफा आ चुका हूँ, अच्छी कोई मेमोरीज नहीं मेरी इधर, मजाक कर।
टूर्नामेंट चल रहा है इधर रेड बुल का, उस मनहूस की आवाज़ हंसते हुए यहाँ तक आ रही है। मुझे पता यहीं बैठा हुआ कहीं पे, मैं वहाँ था, मुझे वहाँ पर इसकी हंसते हुए आवाज़ आई है, तो मैंने कहा यहीं कहीं बैठा हुआ। तो ये चेक करें ज़रा, जाके देखते हैं किधर है ये इंसान। ये देखा, ये इसी के हंसने की आवाज़ है। मुझे पता ये कुत्तों की तरह ये क्या हंसता है। ये देखिए ये आ गया। मैं वहाँ पे था, तेरे हंसने की आवाज़ वहाँ तक आ रही है। कसम से मैंने कहते कि बैठो। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे बालों क्या हुआ? बहुत टाइम बाद कल कटिंग कराई है भाई ने। भाई सेक्सी लग रहा है कि नहीं? नहीं। मुझे यहाँ कितनी गंदी वाइब्स आई है ना एक्सपो में आके, थी पता है। ये प्लेयर्स रेडी हो गए हैं, ये प्लेयर्स रेडी हो रहे हैं, ये बॉयज चले गए हैं खेलने के लिए अंदर। तो बस इनका मैच देखेंगे अभी हम, आप लोगों को भी दिखाता हूँ साथ। जो भी है ये लोग जीते ना जीते, कम से कम रेड बुल तो फ्री मिल रहा है। ये लोग वाली अपनी टीम है जी, ये अच्छा खेल रहे हैं, नाइस। इनके जो है दो गोल हो चुके हैं। अब मैच दोबारा स्टार्ट हो गया, इनके तीन राउंड हैं, ठीक है। एक में ही हार चुके हैं, दो रह गए हैं, और बारिश भी होना शुरू हो गई है। बड़े मज़े का मौसम है। तो ये अंदर खेल रहे हैं बॉयज, अच्छे मुझे लेके हैं एज अ कोच में आया हूँ यहाँ पे, कसम से। ये जीते हुए ये पहले मैच का बदला लिया 7 गोल। यहाँ पे पूरी टीम का जो है स्कोर बता रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे चल रहा है जी मैच, और ये हमारे प्लेयर्स घूम रहे हैं इधर उधर। गुड जॉब तारिक, वेल डन। जॉब्स नॉट डन, प्रोग्रेसिंग। ऐसा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, सबसे ऊपर है। सबसे नीचे थे हम लोग, जीरो पे, सबसे माइनस 3 पे थे हम लोग। ऊपर आ गए, फुल ऊपर। ये गुड लक। तारिक मार दो ये। कमाल यार, एंड कर दिया तुमने यार, गेम कर दिया ना तारिक ने, एंड पे जो गोल कर दिया। ओए कमाल। किधर गया? आ रहा इधर कोई। ये ओए जबरदस्त यार, एंड कर दिया। ओए इनका सिस्टम रो दिया तुमने तो। बहुत स्लो था वो, मुझे पता था यार, जबरदस्त एंड कर दिया इसने, जबरदस्त। ये अजी पीछे लोग खेल रहे हैं, इनका जो थर्ड फाइनल जो राउंड है ना वो स्टार्ट होने वाला है, अभी बस 2 मिनट रह गए हैं। तो बस ये देख रहे हैं, पीछे येलो टीम अपनी है, और मैं इनका कोच हूँ इधर, कसम से यार। इनको पता चले ना अगर मैं कोच हूँ, कसम से यार, अजीब ड्रामे कसम से। एज अ कोच रजिस्टर्ड किया इन्होंने मुझे, ठीक है, वैसे नहीं आ सकते थे हम यहाँ पे, तो इसलिए बस अब देखते हैं जी मैच होने लगा स्टार्ट, देखते हैं ये क्वालिफाई होते हैं फाइनल में या नहीं। चल तारक। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि लास्ट मैच है इनका। ये फुल जोरों शोर पे चल रहा है मैच। टफ टीम है, टफ। चल तारक।
गेम जो है काफी टफ हो गई है, एक एक हो गया स्कोर, बच गया फिर से। दोनों टीमें काफी अच्छी हैं हमारी भी, और पोजीशन भी हमारी टफ है काफी। गुड 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 गुड, चलो चलो चलो, ये विनर्स विनर्स जा रहे हैं, ये विनर्स। चलो 3 2 1 ओके, नो 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 नो, फाइनल, यस, बहुत जबरदस्त खेला इन्होंने भाई साहब, जीत गए हैं ये, फाइनल में चले गए हैं जी, मजा आ गया। वो मैंने भी देखा है, मैंने कहा नहीं शायद मिस हो जाएगा, नहीं नहीं वो मेरा, लेकिन जो एंड पे इसने गोल कर दिया ना, वो तुम जितनी स्पीड से आगे तुमने गोल मारा ना, वो बॉल बाहर जा रहा था, वो अगर तू मेरे ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तू तो, नहीं मारा होना ये वाला गोल इधर, मैं इसका इस गोल पे फैन हो गया कसम से, जबरदस्त। अब 8 को तुम्हारा फाइनल, उसी पे तो मेरा, तुमने चीख मारी ना जोर से, जज्बाती हो गया था ये, प्रेशर तो था भाई कसम से, एक्सपो जो हमारे लिए मनहूस साबित होता रहा हमेशा, वो उसकी मनहूसता खत्म कर दी हमने, लेकिन रेड बुल पीने का मजा आया फ्री, मैं 2 पी गया हूँ ऐसी, नेक्स्ट भी आया बताना मैं आऊंगा, बस ठीक है रेड बुल पीने आऊंगा नेक्स्ट, इसका 8 को आया फाइनल, माशाल्लाह से क्वालिफाई हो गए ये लोग, फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये दुआएं तुम्हारे साथ है, ये मैं आए तो तुम जीते हो, ये बात है। तो चेयर करने आया था मैं स्पेशली तौर पे घर से उठ के नमाज के बाद, फरमान मैंने आने का कोई मूड नहीं था इतना, एक तो मौसम भी इतना अच्छा, बारिश हो रही हल्की हल्की तो बस, लेकिन जो फ्री के रेड बुल मिल गए ना पीने को, मज़ा आ गया भाई, 2 तो मैं पी गई हूँ ऐसी, तो थर्ड मैंने कहा नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगा, इतने अच्छे भी नहीं होते ये पीना, ठीक है। तो बस अब जाते हैं घर को, ये भी घर जाएगा, अपनी गाड़ी पर आया था ये भी, तो मैं भी घर जाऊँगा, अब जाके शहरी में 2 घंटे बाकी हैं, तो एक बार ही सैरी करके हम लोग जो है सो जाएंगे, तो बस आज का भी लोग करते हैं भी हम लोग एंड, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।